नमस्कार दोस्तों, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग। कभी कभी ड्राफ्टिंग में हम लोग देखते हैं कि चीटिंग कैसे करते हैं। मतलब अगर डायमेंशन एक्चुअल है, मतलब 100 का है, हमने मेजर किया वो 100 है, लेकिन क्या है वो एक्चुअल में 100 होता नहीं है, तो उसको हम लोग जैसे एक एज ए फेक डायमेंशन कर सकते हैं। और अपना एनएक्स की भाषा में देखें तो ओवर राइट डायमेंशन के नाम से जानते हैं, तो उसको देना और उसको फाइंड आउट करना कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। इसी का है बस, बहुत ज़्यादा नहीं, बस तामझाम कुछ नहीं करेंगे। कंट्रोल एम हाइड, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल एम, एप्लीकेशन मॉडलिंग, एक होल बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये अपना दो डायमेंशन एक्चुअल है 200 का, और ये होल डायमेंशन 10 है। बट क्या करेंगे हम इसमें, ओवरराइट करेंगे, या तो एडिट टेक्स्ट करें, एडिट टेक्स्ट से भी हो जाएगा, ओवरराइट से भी हो जाएगा। एडिट टेक्स्ट कमांड लिया, तीन सौ, और इसको सेटिंग से भी देख लेंगे दोनों मेथड से कैसे करेंगे। ये है ओवरराइड डायमेंशन, टैक्स फॉर्मेट ओवरराइड, यहाँ पे 10 की जगह 20, जो हो गया फेक डायमेंशन है जो ओवरराइड डायमेंशन हो गया। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हमारा गलत है या सही है, मतलब इसने गलत दिए हैं, ये हमने गलत किया है या फिर सही किया है। तो यहाँ से मीनू इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, अब यहाँ से ये देखिए डायमेंशन विद मैनुअल टेक्स्ट, मैनुअल कौन कौन से डायमेंशन दिया गया है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये दोनों हमने डायमेंशन दिया था, इसको और क्लियर समझने के लिए ये डायमेंशन दे देते हैं 200x200 का है, ये बट ये 300 दिख रहा है। अब ऐसे क्लियर हो जाएगा जब वो हाईलाइट होगा, तो इंफॉर्मेशन
अदर्स ऑब्जेक्ट डायमेंशन, ये देखिए ये दोनों फेक दिया हुआ है, ये अपना ओरिजिनल है डायमेंशन। तो इस तरह से हम फेक डायमेंशन को पता कर सकते हैं। तो बस इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू, जय हिंद।